बाद में ये कौन सी बॉल है भाई, भाई ना नो बॉल। तो दोस्तों तीन दिन बाद फिर आता है, मेरे पास नेटवर्क बिल्कुल ओके है, मेरे पास नेटवर्क बिल्कुल ओके है। चार गेंद पर सात रन आ चुके हैं। पहले ओवर का खेल जारी है दोस्तों, पांच गेंद पर दोस्तों ग्यारह रन आ चुके हैं। नया पेज है आपकी स्पोर्ट के लिए, आपने पेज को लाइक एंड फॉलो करना है, वीडियो शेयर करनी है जल्दी से। बाहर में चलो का मैच चल रहा है, एक ओवर का खेल मुकम्मल दोस्तों 11 रन है। चार ओवर का खेल बाकी है, माजिद गोली की बॉलिंग बाकी है, उसके अलावा मुकामी बॉलर भी होंगे। पांच ओवर है, चार बॉलर यूज होंगे, एक बॉलर दो ओवर करवाएगा, बाकी तीन बॉलर एक एक ओवर करवाएंगे। ये बिल्कुल टीम की बैटिंग सेकंड इनिंग में बैठ गई है। हसन नवाज भाई वीडियो शेयर नहीं हो रही दोस्तों, वीडियो बिल्कुल शेयर नहीं हो रही, तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करते जाएं। बॉलिंग
Out of the park.
अच्छा चोपड़ियों में भी दो दो एक गेंद पर 13 रन जिसके ऐसा नजर सामने और 30 रन जिसके दोस्तों पहले दौर में 17 रन थे। कमाल मैच जारी, कमाल मैच जारी है दोस्तों। तैमूर मिर्जा की सेकंड इनिंग में बैटिंग अभी बाकी है। टेबल क्रिकेट का नंबर वन बल्लेबाज है किंग ऑफ एशिया बेस्ट प्लेयर इन टेबल क्रिकेट। एक बॉल बॉल करने से ऐसा नौ 13 रन जिसके दोस्तों एक्सलेंट एक्सलेंट बैटिंग में ऐसे जिता दम लाहौर क्या खूबसूरत दोनों शिकल गए हैं करने से ऐसा नौ को नवीद अहमद वेलकम जी अल्हम्दुलिल्लाह नवीद जी कैसे आप ठीक हैं वीडियो से करें ऐसा जरा सा वेलकम जी सामने साइड है थ्री हेटर सामने से जिता दम लाहौर तो शिकल आ चुके हैं और इस सब अच्छा बॉल बॉल डालकर में कामयाब है और अभी दोस्तों 15 बॉल का खेल हुआ है और 30 रन उसके 15 बॉल का खेल बाकी है अभी 15 बॉल का खेल अभी बाकी है। तमाम दोस्तों भी उसे करेंगे छोटा विकी तैमूर मिर्जा की बैटिंग अभी बाकी है। वीडियो शेयर करें तमाम दोस्त वीडियो को शेयर करेंगे और इस तमाम मैच के लिए आप हमारे पेज से पाकिस्तान क्रिकेट को लाइक एंड फॉलो करना दोस्तों। ये विशेष आज के दिन डिफरेंस बॉल में दानिश चौधरी वीडियो शेयर करेंगे जल्दी से तमाम दोस्त वीडियो को शेयर करेंगे। वाह यार एक्सीलेंट यार एक्सीलेंट करना साइड को 3 गेंद पर 20 रन से मारे एसएन चिटा फ्रॉम नॉर्थ ने पहले दौर में 17 रन से तो 20 रन इस दौर में आ चुके हैं। एक बॉल डॉट हुए हैं सॉरी बिल्कुल दो दिन में 20 रन आ चुके हैं दो गेंद पर 20 रन मारे एसएन चिटा ने नेक्स्ट बॉल जी आप बताएं रिजल्ट आप बताएं बूम लाला प्लीज डोंट बैड लैंग्वेज यूज गलत लैंग्वेज यूज नहीं करनी पड़े भाई मेहरबानी जल्दी से शेयर कर दी जाए जल्दी से तमाम दोस्तों को शेयर कर दी जाए। दोस्तों
चार गेंदबाज चार छक्के एसएन सिटा का मामला आया आया एसएन
68 रन हो चुके हैं दोस्तों, चार गेंद पर चार छक्के। पिछले 13 दिन बाद 10 छक्के लगा के एसएन से अपना लाहौर आउट चल रहा है यार। आया आया एसएन से आया आदि ओवर का दूसरा छक्का दोस्तों संदेश जीता। सामने आया छक्का करेंगे शॉट करेंगे कैच पकड़ लिया है अच्छा कम बैंक पहले बोल बोलने का उसके बाद कम बैंक पांच ओवर का चौथा बोल
एक और डॉक्टर बॉल लाइन तो मिस्टर हैदराबाद बोला गया है। 82 रन दोस्तों, 82 रन दोस्तों, वीडियो शेयर करते जाएं, वीडियो को शेयर करते जाएं दोस्तों। एसएन चिट्टा ने 14 गेंद पर 10 छक्के दे मारे, वो यार नहीं भाई चांस होगा। पांच ओवर का चौथा बॉल 82 रन दोस्तों के सामने आफत के बिस्तर मकान है। वो खेलेगी जनाब अजीज कांडर लोगों के साथ, और जो टीम हारेगी वो टीम लक्की लोगों के साथ खेलेगी। इसके बाद लूजर लूजर का मैच होगा, जो टीम हारेगी इस मैच के बाद जो मैच होगा और वो टीम बाहर हो जाएगी। उसामा साल को नहीं बैठ गई, वो मुहर्रम के बाद चलेंगे। पांच ओवर का पांचवा बॉल सामने, इमरान भाई शॉट आहंगे छह एक्सलेंट यार है। जारी रखेंगे जहीर कालिया। जहीर कालिया राइट आर्म ओवर विकेट बॉलिंग जारी रखेंगे। सामना करेंगे तैमूर मिर्जा, चैंपियन वर्सेस चैंपियन। तैमूर मिर्जा का साथ देंगे छोटा विकेट फ्रॉम मुल्तान। जहीर कालिया राइट आर्म ओवर द विकेट भागते हुए आए, पहला बॉल और पहला छक्का, बहुत ही अच्छा शॉट तैमूर की जानिब से। कोई चांस नहीं दिया यहां पर जहीर को, पहले ही बॉल पर छक्का लगा दिया है तैमूर मिर्जा ने। ये हैं तैमूर मिर्जा, ये हैं पीएम, जिनका नाम पीएम है। बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करते हैं तैमूर मिर्जा, गुड सिक्स कह रहे हैं मेरा आसिफ संभोज जी, बिल्कुल। अगर इनको आउट नहीं करते यहाँ पर जहीर कालिया तो जल्दी काम तमाम हो जाएगा अहमदपुर का, अहमदपुर 11 का। फिर से अगला बॉल, जहीर रेडी हैं, तैमूर रेडी हैं, क्या रिजल्ट मिलेगा इस बॉल पर। भागते हुए आए फिर से स्लोअर वन और फिर किया एक और ऊंचा शॉट, एक और छक्का, दो गेंदे दो छक्के तैमूर मिर्जा की जानिब से। बहुत ही कमाल का शॉट, वकास अली कह रहे हैं नाइस, थैंक यू। कमाल की बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर अंपायर का नेम भाई, अंपायर जो है वो यहाँ के नहीं है, अंपायर मारखोर लीग के लिए अपर पंजाब में जो इस्तेमाल हुए थे वही बुलाए गए हैं दोबारा से, प्रोफेशनल अंपायर को बुलाया गया है। जहीर कालिया फिर से बॉलिंग जारी रखेंगे, भागने शुरू किया फिर से, अंपायर को क्रॉस किया, इस बार अच्छा बॉल और बाल बाल बचे, डॉट बॉल डॉट बॉल, तीसरा बॉल डॉट बॉल करवाने हैं। सुफियान मोहम्मद सईद कह रहे हैं गुड जी, बिल्कुल गुड सिक्स का, और वीडियो को शेयर जरूर करें जिन दोस्तों ने अभी तक शेयर नहीं किया, अपने अपने सिटीज के और दूसरे सिटीज के स्पोर्ट्स ग्रुप में, और पेज को लाइक और फॉलो करें। इससे बड़ा मुकाबला इस टूर्नामेंट में शायद ही कहीं होगा। बहुत ही कमाल की बैटिंग करते हुए यहाँ पर तैमूर मिर्जा, तैमूर मिर्जा सामना करेंगे फिर से जहीर कालिया का, देखते हैं अब कैसा बॉल करते हैं जहीर।
चकमा देने में कामयाब होते हैं या नहीं। भाग्य राय फिर से और फिर से आगे पड़ा हुआ बॉल देखना होगा कैच और बल आके तैमूर आउट होकर वापस जाते हुए जिसके लिए आए थे वो कर्ज था यहाँ पर जहीर कालिया ने अच्छा कैच मुकम्मल हुआ यहाँ पर बड़ा विकेट शोर बुलंद हुआ एमलपुर के खेमे में। इसका मतलब है तैमूर मिर्जा आउट होकर वापस देखना होगा अब कौन से खिलाड़ी आते हैं और नए आने वाले बैट्समैन है फलक बशीर खानपुर का शहजादा फलक बशीर पिछले साल बहुत ही कमाल की बैटिंग दी थी लेकिन देखना होगा अब कैसे बैटिंग करते हैं। और अहमदपुर के खेमे में शोर शराबा अब छोटा डॉन छोटा विकी मुल्तानी शहजादा यहाँ पर अपनी बैटिंग के जौहर दिखाएगा और उनको बॉलिंग करेंगे। रिजल्ट रिजल्ट सही नहीं है क्या ज्ञान अक्रम जैन अनवर रिजल्ट कैसा है बाकी दोस्त भी बताएं थोड़ा सा। सामना करेंगे छोटा विकी जैन अनवर अब बताएं रिजल्ट के बारे में भाई स्क्रीन साफ है भाई स्क्रीन साफ है बिल्कुल। बॉलिंग जारी रखेंगे फिर से जहीर कालिया एक विकेट और चटखाना होगा जबरदस्त है भाई शेर अली चटा थैंक यू जहीर कालिया का जितना अच्छा बॉल उतना ही अच्छा शॉट चार रन बहुत ही क्रूशियल रन लीक हो रहे हैं यहाँ पर जहीर कालिया के ओवर में जो भी रन आएंगे बहुत अहम होंगे। 91 रन का टारगेट है 16 रन हो चुके हैं आखिरी बॉल करेंगे रिजल्ट बहुत अच्छा है थैंक यू ठीक है जाहिद चौधरी और बॉलिंग जारी रखेंगे फिर से जहीर कालिया जहीर अहमद जिनका निक नेम है जहीर कालिया तकरीबन 21-22 साल के अरसे से टेबल क्रिकेट से मुंसलिक हैं और अभी तक फिटनेस बरकरार रखी हुई है थैंक यू स्टाइलिश पठान नाइस कह रहे हैं थैंक यू छोटा विकी तेरा रौला जी बिल्कुल छोटा विकी किसी कारक के मोहताज नहीं है छोटा विकी भी पूरे पाकिस्तान में अपनी पहचान बना चुके हैं बैटिंग में भागते हुए आए और अच्छा बॉल और विकेट नहीं देना चाह रहे छोटा विकी ने और इस तरीके से ओवर मुकम्मल हुआ कमाल का ओवर टीएम का विकेट हासिल किया एक ओवर 16 रन देखते हैं अब अगला ओवर कौन करता है शहजाद गुजर कह रहे हैं कितने ओवर में 91 पांच ओवर में 91 करना है भाई पांच ओवर में 91 करना है। शेजी हैं बॉलर शहजाद शेजी क्या हाल है भाई अल्लाह का शुक्र है इसके आग्रह अल्लाह का शुक्र है आज का दूसरा मैच पीएम वर्सेस जहीर कालिया देखना होगा सोचना होगा। बॉलिंग जारी रखेंगे फिर से भागते हुए आए लेग स्टंप से बाहर अंपायर सिग्नल वाइड बॉल तेज बॉल है यहां पर शेजी की जानिब से 17 रन हो चुके हैं विकेट हासिल करना होगा यहां पर दोनों बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और छोटे विकेट के तो क्या कहने हैं कौन बैटिंग कर रहा है कह रहे हैं तुराब भट्टी फलक बशीर है खानपुर से और मुल्तान से हैं छोटा विकेट जो कि नाम स्टार्टिंग ऑन पर मौजूद है भागना शुरू किया शहजी ने ऑफ स्टंप से बाहर का अंपायर सिग्नल वाइड बॉल एक रन का ऑल फिर से बॉलिंग जारी रखेंगे बाकी आए फुल लेंथ बहुत ही अच्छी फील्डिंग आबिद गिब्स की जानिब से बहुत ही कमाल की थी अच्छी एफर्ट आबिद गिब्स इस वक्त देखना होगा चौधरी इलेवन हासिलपुर वर्सेस खान इलेवन हासिल अहमदपुर बहुत ही कांटेदार मैच जारी फिर से बॉलिंग जारी रखेंगे कुछ समझाते हो यहाँ पर एस एन सी टेक्सी को
देखना होगा। अगला बॉल करेंगे शहजी फ्रॉम खानपुर, खानपुर वर्सेस खानपुर, फलक बशीर वर्सेस शहजाद शहजी। भागने शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, लेग स्टंप से बाहर, अंपायर सिग्नल वाइड बॉल, एक्स्ट्रा के रन मिलते हुए यहां पर चौथी 11 हासिल फोर को। खानपुर के सबसे तगड़े बॉलर हैं शहजाद शहजी। जैन अनवर कह रहे हैं छोटा विकी को सलाम देना, ठीक है भाई अभी वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है छोटा विकी और ओवर के दरमियान में सलाम नहीं दे सकते। इसके बाद अच्छा बॉल लेग साइड पे खेला, ओवर के बाद इंशाल्लाह एक रन का इजाफा, तो अब छोटा विकी सामने आएंगे। देखते हैं कैसी बैटिंग करते हैं छोटा विकी। दो गेंदे बहुत ही कमाल किए यहाँ पर शहजाद शहजी ने, कुछ एक्स्ट्रा रन जरूर दिए हैं लेकिन टीएम आउट हो गया जी। बिल्कुल मोहम्मद शोएब टीएम आउट हो चुके हैं, जहीर कालिया ने उन्हें आउट किया है, दो छक्के लगाने के बाद वो आउट हो गए हैं। देखना होगा अभी बॉलिंग जारी रखेंगे। फिर से शेजी भागते हुए आए फुल टॉस और ये है छोटा विकी, बिल्कुल भी जोर नहीं लगाया और नो बॉल, फ्री हिट भी मिलती है यहाँ पर छोटे विकी को और सोने पर सुहागा हो गया है ये तो। एक छक्का लगा लिया, ऊपर से नो बॉल भी हो गई और तीसरा साथ फ्री हिट, बहुत ही कमाल की बैटिंग यहाँ पर छोटा विकी की जानिब से। अगला बॉल करेंगे फिर से शेजी हाफिज शफकत गोंदल कह रहे हैं गुड वर्क थैंक यू, आप बस वीडियो को शेयर करें, पेज को लाइक और फॉलो करें और हमारा साथ दें क्रिकेट को प्रमोट करने में, यजमान क्रिकेट को प्रमोट करने में। बात यह है शेजी स्लोअर रन, कमाल का स्लोअर रन, बहुत ही अच्छा बॉल, एक छक्के के बाद क्या कमाल की वापसी की है। बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए यहाँ पर शहजी, मजीद अच्छी बॉलिंग की जरूरत है उनकी टीम को। जाहिद यासीन कह रहे हैं सिक्स हो गया जी, बिल्कुल पिछला सिक्स हो गया था, देखते हैं सिक्स लगेगा। जैन अनवर कह रहे हैं बाकी आए तेज बॉल, फील्डर को नजर भी नहीं आई और चार रन का मजीद इजाफा। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कह रहे हैं सुफियान लखा, वेलकम सुफियान लखा, 42 डिग्री से का ताल्लुक यजमान से, हमारे कॉन्स्टेंट व्यूअर हैं ये भी, और इसके अलावा अली रजा चौधरी 67 डिग्री से उनको भी वेलकम और बाकी सब दोस्तों को भी वेलकम। फिर से शहजी वर्सेस छोटा विकी, छोटा विकी बहुत ही क्रूशल विकेट है इनकी और कमाल का शॉट, ये है जी कमाल का शॉट। अनीसुल जमान साहब वालेकुम अस्सलाम, मैच को देखें एंजॉय करें, कमाल का छक्का लगा दिया है यहाँ पर छोटा विकी ने, क्या शॉट खेला है विकी ने, कमाल कर दिया। आज जैसे दो मैच हैं क्या, नहीं भाई इसके आगे भी मैचेस हैं, काफी सारे मैचेस अभी बाकी हैं, पांच मैचेस होंगे मेरे ख्याल में, कम से कम पांच मैचेस होंगे। ये यॉर्कर था जिसको मिड विकेट के ऊपर से डिपॉजिट किया 6 रन के लिए। जाहिद यासीन कह रहे हैं रन कितने हो गए भाई, ओवर के बाद बताते हैं। आखिरी बॉल अभी भी शहजी का बाकी है, तकरीबन 37 रन हो चुके हैं मेरे ख्याल में, आखिरी बॉल करेंगे। फिर से शहजी वर्सेस विकी, ये हैं विकी यॉर्कर और उसको भी 6 रन के लिए, ओवर मुकम्मल।
नेक्स्ट साल मसूद बैटिंग आएगा। जैन अनवर कह रहे हैं कमाल का छक्का यहाँ पर छोटा क्या बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर छोटा विकी, कमाल के स्ट्रोक खेले हैं यहाँ पर। तीसरा ओवर कौन करता है ये देखना होगा। पांच छह हजार के बैट्स ये लेते हैं खेलने के लिए, जैसे ये फलक बिछी है जर्मन स्पोर्ट्स का बैट इनके हाथों में, जिनकी मौजूदा कीमत तकरीबन 6,500 से 6,600 है। उमर अली कह रहे हैं रन 43 रन हो चुके हैं, 45 रन हो चुके हैं। उमर आसिफ कम्बो कह रहे हैं कमाल जी, बिल्कुल। जैन अनवर कह रहे हैं ग्रेट बैटिंग। वकार के फरदोस कह रहे हैं भाई जी भाई अस्सलाम वालेकुम, अगर किसी दोस्त का कमेंट रह जाए तो माजरत, मैं कोशिश करता हूँ सब। और देखते हैं अब कौन ओवर करने के लिए आता है। जहीर कालिया, फिर से जहीर कालिया को दूसरा ओवर करेंगे। जहीर कालिया इस इनिंग का तीसरा ओवर है। शहजादा टीम कह रहे हैं राणा दरार खान जी, बिल्कुल क्रिकेट का शहजादा। शहरोज अली कह रहे हैं नाइस, बिल्कुल भागना शुरू किया। स्लोअर रन, फील्डर मौजूद है वहां पर, एक रन का इजाफा। चवालीस रन हो चुके हैं, 44 रन। देखना कैसी बॉलिंग करते हैं। टीएम आउट हो चुके हैं, राणा इब्राहिम खान टीएम दो छक्के लगाने के बाद आउट हो गए हैं। तारिक विकी बट कौन सी टीम है उनका मैच कल है, विकी बट का मैच कल है, कौन कौन सी टीम है। चौधरी 11 हासिलपुर वर्सेस खान 11 अहमदपुर बॉलिंग कर रही है, हासिलपुर की टीम बैटिंग कर रही है। फिर से बॉलिंग जारी रखेंगे। जहीर कालिया और फील्डर भी पहुंचे दूर, अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, रन आउट हो सकता है और आउट, और बड़ा विकेट फलक बशीर आउट होकर वापस। बहुत बड़ा नुकसान। पैंतालीस रन हुए हैं और एक फ्री का विकेट मिलता हुआ यहाँ पर। नए बैट्समैन देखते हैं कौन आ रहे हैं। तैयब हैं बैट्समैन, जहीर बॉलिंग जारी रखें। नहीं, जहीर जाहिर यासीन कह रहे हैं आपका नेम क्या है भाई। मेरा नाम शुएब है। अफरीदी को लाओ, जैन अनवर कह रहे हैं कौन से अफरीदी को आप बुलाना चाह रहे हैं भाई। और जहीर फिर से बॉलिंग जारी रखेंगे। 45 रन हो चुके हैं तकरीबन, 2 विकेट गिर चुकी हैं और छोटा विकी वाहिद ऐसे खिलाड़ी हैं जो सिंगल हैंडेडली ये मैच विन कर सकते हैं, और जहीर कालिया ही वो बॉलर हैं जो इजीली विकेट हासिल कर सकते हैं छोटा विकी की। 100 सेट जा रहे हैं उमर आसिफ कम्बो, बॉलिंग जारी रखेंगे। फिर से भागना शुरू किया जहीर, स्लोअर वन और ये आउट। क्या बात है जहीर कालिया, स्लोअर वन किया और विकेट हासिल करने में कामयाब हुए, छोटा भी किया आउट होकर वापस जाते हुए। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर कहना होगा जहीर कालिया की जानिब से, अपने फैंस के दिल जीत लिया यहां पर जहीर कालिया ने। Thank you.
शाहिद अफरीदी को बुला लो भाई। ठीक है भाई, ठीक है, टीम स्पॉन्सर से बात करते हैं जैन अंदर भाई। और अब हासिलपुर के डोमेस्टिक प्लेयर्स जो हैं उन पर गेम आ गई है। एक है अमाद भट्ट और दूसरे हैं तैयब। मेन विकेट हासिल किया यहां पर जहीर कालिया ने। उस्मान अहमदपुर की टीम में कौन कौन से प्लेयर हैं? अहमदपुर में जहीर कालिया हैं, एसएन चिट्टा हैं, इमरान भट्ट हैं, आबिद गिब्स हैं और गालबन सहराम काका थे जो अभी तक ओवर पर नहीं आए। बॉलिंग जारी रखेंगे फिर से। बाद में शुरू किया जहीर ने, नो बॉल पर छक्का लगा दिया यहाँ पर तैयब ने। तैयब बहुत ही कमाल का छक्का लगाया, फ्री हिट मिलती हुई और बहुत ही अच्छा शॉट तैयब की जानिब से। हासिलपुर के खिलाड़ी तैयब चौधरी बहुत ही कमाल का छक्का लगाते हुए यहाँ पर सोचना होगा जहीर कालिया को क्या बात है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक बैट्समैन, एक से बढ़कर एक बैट्समैन है। जो टीम ये मैच विन करेगी उसके लिए आगे का सफर काफी आसान हो जाएगा। बॉलिंग जारी रखेंगे फिर से जहीर कालिया, राइट आर्म राउंड द विकेट और इनके सामने तैयब हैं हासिलपुर के डोमेस्टिक प्लेयर। जहीर कालिया, ओह कमाल का शॉट यार, हल्का सा रिस्क को क्लिक किया और गेंद को पहुंचाया मिड विकेट पर, बाउंड्री के बाहर, 6 रन। ये है तैयब फ्रॉम हासिलपुर, बिल्कुल भी यहां पर टेंशन में नजर नहीं आए। दो गेंदों पर 2 छक्के लगा दिए जहीर कालिया को, काफी परेशान नजर आते हैं यहां पर फील्डिंग साइड और जहीर कालिया। देखना होगा तैयब क्या कमाल की एंट्री मारी है। 58 रन हो चुके हैं। जहीर कालिया भागते हुए आए, एम्पायर को क्रॉस किया और ये कैच होगा या नहीं होगा? नो मैन्स लैंड है, 4 रन, एक और चौका, बाउंड्रीज मिल रही हैं यहाँ पर, कमाल कर रहे हैं। आखिरी बॉल बाकी है, 2 छक्के और 1 चौका लगा चुके हैं। 13 गेंदों पर 29 रन बाकी हैं। जी बिल्कुल कमाल के मैच विनिंग शॉट खेल रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है, अली दर्जी को नेक्स्ट ओवर देते हैं। साकिब 42 की साइड से भाई, उस्मान साकिब 4 स्टार की जानी है, साकिब 4 स्टार की जानी है, साकिब 4 स्टार की जानी है। बॉलिंग जारी रखेंगे फिर से जहीर, काफी परेशानी का शिकार, 3 गेंदों पर 3 बाउंड्रीज लग चुकी हैं, 2 छक्के 1 चौका। सामना करेंगे तैयब, बॉलिंग जारी रखेंगे जहीर। गालबन लास्ट बॉल बाकी है इस ओवर का, 3रा ओवर है, 50 मुकम्मल हो चुकी है। भागना शुरू किया और इस बार पेस से बीट हुए, मिस फील्ड 4 रन, बहुत ही कीमती 4 रन यहां पर लॉस किए। 66 रन हो चुके हैं, तकरीबन 25 रन बाकी हैं 2 ओवर में, 25 रन। कमाल की बैटिंग कर दी यहां पर कोई अपनी, बहुत ही अच्छी बैटिंग। देखते हैं किसको ओवर देते हैं। कोच शरीफ से चल रहा है, खेल रहा है,
आरिफ बॉलिंगर बॉलिंग जारी रखेंगे। कितनी टीम्स हैं? 8 टीम्स हैं भाई, 8 फ्रेंचाइजीज हैं जो इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। और अब सामना करेंगे अहमद गिल, अहमद गिल, आरिफ बॉलिंगर भागते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, कैच हो सकता है, कैच नहीं होगा, फील्डर की पहुंच से दूर था ये। अच्छा बॉल था ये बॉलिंगर की जानिब से, दो रन इस बॉल पर आए। मैच आसान हो चुका है, मैच आसान हो चुका है, बैटिंग साइड के लिए मैच उतना मुश्किल नहीं रहा। आसिफ खान क्या स्कोर है, 11 बॉल पर 23 रन बाकी हैं, 11 बॉलें 23 रन बाकी हैं। जी बॉलिंग जारी रखेंगे, फिर से जैन अनवर कह रहे हैं तमूर मिर्जा है गिल के पास, बॉलिंग जारी रखेंगे, फिर से भागते हुए आए, इस बार नहीं छोड़ेंगे। कमाल का छक्का अहमद गिल की जानिब से, बहुत ही तगड़ी साइड लग रही है ये हासिलपुर, जो भी बैट्समैन आ रहा है छक्कों से नीचे बात नहीं कर रहा, कमाल की बैटिंग करते हुए यहाँ पर अहमद गिल, तैमूर ब्रांड बल्ले के साथ खेलते हुए। नॉकआउट है, नहीं भाई चांस है, एक चांस है हारने वाली टीम के पास। बॉलिंगर थोड़े परेशान नजर आते हुए, देखना होगा जी, वही जट कह रहे हैं नॉकआउट है, नहीं नॉकआउट नहीं है, भागने शुरू किया, फिर से बॉलिंगर ने स्लोअर रन बीट हुए, एक रन का इजाफा, फील्डर वहां पर मौजूद है। तीन गेंदे हो चुके हैं, 9 गेंदे बाकी हैं। आखिरी ओवर अफाक पेसर दाग कर रहे हो भाई, ये तो उनके कैप्टन नहीं कर सकते हैं। बॉलिंग जारी रखेंगे, फिर से कमाल के शॉट खेले हैं यहाँ पर तैयब ने आज, फिर से बॉलिंग जारी रखेंगे, भागते हुए अच्छा बॉल फिंगर किया और बीट हुए यहाँ पर तैयब, अच्छा बॉल बॉलिंगर का, अगर ये डॉट बॉल करते हैं मजीद तो मैच फिर से इंटरेस्टिंग हो जाएगा, मैच हर हर बॉल पर कांटा बदल रहा है यहाँ पर। 8 गेंदों पर 16 रन बाकी, आखिरी ओवर में अगर 14 या 13 या 15 रन बचते हैं तो चांस है, फील्डिंग साइड के पास भी फिर चांस बन जाता है, क्योंकि उनके पास आखिरी ओवर के लिए बॉलर यकीनन मौजूद हैं। देखते हैं अब कैसे बॉलिंग करते हैं यहाँ पर, फिर से बॉलिंगर आरिफ बॉलिंगर, कैच हो सकता था लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर, 4 रन, 4 रन, अच्छा शॉट, सही सात गेंदे 12 रन, आखिरी बॉल डॉट बॉल करना होगा, आखिरी बॉल देखना होगा जी, देखना होगा। देखते हैं आखिरी बॉल करेंगे अब बॉलिंगर, आरिफ बॉलिंगर भागते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, फिंगर किया और अंपायर सिग्नल नो बॉल, और ये तो मैच ही खत्म कर दिया मेरे ख्याल में बॉलिंगर ने। बता दे रिजल्ट, जो उपयोग का बता दे, क्या
दस रन बाकी हैं सात बॉलों पर, नो बॉल हो गया भाई, अच्छा बॉल किया था लेकिन नो बॉल हो गया। देखना होगा भाई, देखना होगा कैसी बॉलिंग करते हैं, देखना होगा। फिर से भागते हुए आरिफ, लेग साइड पे खेला अहमद गिल ने, एक रन का और इजाफा, तो अब नौ रन बचे हैं आखिरी ओवर में, आखिरी ओवर में नौ रन बचे हैं। रईस इमरान ओवर करने के लिए आए हैं, जी बॉलिंग जारी रखेंगे। फिर से भागना शुरू किया रईस इमरान ने, और पहले ही बॉल पर बहुत बड़ा छक्का, अहमद गिल ने सीधे बल्ले के साथ खेला एक बहुत ही लंबा छक्का, कमाल की बैटिंग हासिलपुर की जानिब से, बहुत तगड़ी साइड लग रही है हासिलपुर की, और मैच विन करने के बिल्कुल करीब। तीन रन बाकी हैं, तीन। फिर से रईस इमरान दूसरा बॉल करेंगे, और ये छक्का, इसके साथ ही ये मैच विन कर लिया है हासिलपुर ने। हासिलपुर वेरी वेल प्लेड, कमाल की बैटिंग दिया यहाँ पर हासिलपुर।